सो गाइज, अस्मा डॉल के सॉप्स का रिव्यूज़ है आज। तो मैंने मंगवाया है वाइटनिंग भी, ज़फ़रानी भी और एक्नी वाला भी। तो सबसे पहले एक्नी वाले पे आते हैं। अस्मा डॉल का सॉप है स्पेशल फॉर एक्नी सॉप, लेवेंडर एंड लेमन ग्रास। जी, दो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके और एक्सपायरी डेट भी इसके ऊपर मेंशन है। मॉर्निंग इवनिंग यूज़ टाइम बेबीज़ ऑफ ऑल एजेस। अच्छा, बेबीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई किसी भी एज का बंदा इसको यूज़ कर सकता है। स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। सही। तो अब अंदर से सोप जो है वो दिखाते हैं। सोप कुछ इस तरह का है, वाइट एंड ग्रीन। जो एक्नी है उसको इनकी थीम है एक्नी सोप की, वाइट एंड ग्रीन। और जो ज़ाफ़रानी है, एंटी एक्नी एंड वाइटनिंग सोप, एंटी रिंकल, रिड्यूस एक्नी, रिड्यूस फ्रैंकल्स एंड फ्रैकल्स एंड ब्लेमिशेस, ज़ाफ़रान सोप। अच्छा जी, तो इसको ओपन करते हैं। ये अंदर से कुछ इस तरह का है, ज़ाफ़रान की जो थीम है सोप की, वाइट एंड ऑरेंज है। वाइटनिंग सोप करें तो सबकी पैकेजिंग जो है वो कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, ये देखें। तो इसके अंदर से जो सोप निकला वाइटनिंग, जो उसकी जो है वो पैकेजिंग कलर थीम वाइट एंड पिंक है। और ये था जी वाइटनिंग सोप। अच्छा जी, ये मिल्क वाला है, स्पॉटलेस फेयरनेस इसके ऊपर मेंशन है, और भी लिखा हुआ है। पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री, सिलिकॉन फ्री, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर लिखा हुआ है जी। आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस फ्री, तो बिल्कुल इसके अंदर जो है वो फ्रेगरेंस नहीं है। अक्सर सोप्स के अंदर जैसे टेलकम पाउडर डला हुआ है, इतनी ज़्यादा वो खुशबू होती है, तो इसके अंदर खुशबू नहीं है गाइस। बाकी सारी डिटेल्स इसके ऊपर लिखी हुई हैं। इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि सोप्स के रिज़ल्ट्स काफ़ी अमेजिंग है। तो अभी तो ये यूज़ करने के बाद पता चलेगा। तो इंशाल्लाह जो जो जिस जिसको ये सोप यूज़ करवाने हैं, जो यूज़ करेगा, तो इंशाल्लाह रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।